स्वागत है आपका क्या बोलती पब्लिक के एक नए एपिसोड में। और मुझे पता है मैं काफी टाइम के बाद आ रहा हूँ, ऐसा कोई प्रॉमिस नहीं करने वाला हूँ जो हमेशा से टूटते हुए आया है और फिर से टूट जाए। सीधा आते हैं एपिसोड पे एंड आई होप कि मैं फिर से रेगुलर होऊंगा। क्या बोलती पब्लिक, सोशल मीडिया पे क्या चल रहा है बिग बॉस को लेकर के? बिग बॉस में जो इस हफ्ते नॉमिनेशन पे आए हैं कुछ 7 लोग, उन 7 लोगों के बारे में, जैसे कि यहाँ पे एमसी स्टैन है जो कि सजा के तौर पे जो है 4 हफ्ते के लिए नॉमिनेट हो रखे हैं। इसके अलावा शिव ठाकरे हैं, यहाँ पे सुम्बुल है, सुम्बुल तौकीर, प्रियंका, टीना, शालीन और साजिद खान, ये सब मिला करके जो है अभी नॉमिनेट हो रखे हैं। और इस हफ्ते पता नहीं क्यों सलमान खान ने जो है पूरी तरीके से, मतलब नॉमिनेशन का जो इवेक्शन होने वाला था वो इवेक्शन ही कैंसिल कर दिया और उसके बाद से सीधा चल रहा है। तो ठीक है, आते हैं, देखते हैं पब्लिक क्या कह रही है, पब्लिक का कहना क्या है। हा हा, पिक्चर इटसेल्फ शोज हु इज द सेंटर ऑफ द अट्रैक्शन, शी इज रनिंग योर होल शो। कौन है भाई? ओ प्रियंका, यार ऑनेस्टली स्पीकिंग बहुत कान में चुभती है। अगर सबसे गंदा अगर कोई आवाज है ना, मतलब किसकी बात करूँ, वो जो चटनी बनाती रहती है, तो उससे भी गंदी आवाज इसकी है। मतलब उसके बाद का सेकेंड लास्ट में ये आएगी, तो बहुत गंदी आवाज है, बड़बड़ बड़बड़ बहुत चिल्लाती है यार। टोटल में साजिद को उतना वोट मिलेगा जितना बिग बॉस टीम मेंबर है, 13 वोट। ओके, ये किसने बना डाला भाई? बॉलीवुड रीमेक ऑन टुडेज नॉमिनेशन, सत्ते पे सत्ता। नहीं यार, लेकिन वो मूवी अच्छी थी, ये मूवी अच्छी नहीं होने वाली है। मुझे ये बताओ, शालीन ड्रामेबाज है, प्रियंका बिना मुद्दे का चिल्लाती रहती है, टीना दत्ता जो है अपनी डिग्निटी को मेंटेन करती भी आई है लेकिन अभी कुछ टाइम से फेक लगने लगी है, वहीं पे सुम्बुल तौकीर रोने की दुकान है, एमसी स्टैंड गूंगा है, शिव ठाकरे की अगर बात की जाए तो ये भाई साहब जो है चमचागिरी में लगे हुए, इनको यकीन है कि साजिद खान जो है यहाँ से निकलने के बाद जो है उनको कोई ना कोई फिल्म को ऑफर जरूर करेंगे और उसके बाद से उनकी किस्मत चमक जाएगी। और साजिद खान डायरेक्टर मतलब 50-50 में डाल दो बिकॉज ऑफ हिम्मत वाला एंड हमशक्कल की वजह से, मतलब उनका डायरेक्शन थोड़ा टॉस पे आ जाता है, लेकिन फिर भी वो अच्छा डायरेक्शन दिए हैं अपना, पर नॉट सो गुड। यहाँ पे एकदम मस्का मार के एकदम सा चाशनी वाली आवाज के साथ बात करते हैं, सो मेरा तो यही है यार, ये बंदों का मुझे नहीं समझ में आया। एमसी स्टैन के सामने में लाया गया है 2 गोल्ड मैन, सबसे पहले मुझे लगे हिंदुस्तानी भाव, क्योंकि जैसी आवाज है ना, तू इधर पे अकेला था तो अपन लोग आ गए, अभी हिंदुस्तानी भाव जैसी आवाज लगी। और उसके बाद से इनको पता नहीं कहीं पे तो सोशल मीडिया में देखा है, मैं इतना ज़्यादा ऑन रहता हूँ सोशल मीडिया पे, लेकिन फिर भी मैं इनको सही से नहीं जानता हूँ, इनका नाम नहीं जानता हूँ। अब बिग बॉस में आ चुके हैं तो जान भी जाएंगे कौन है, क्या है, क्या कालाकांड किया है, समझ में आ जाएगा। और एमसी स्टैन के बारे में लोगों ने क्या लिखा है यार, देखता हूँ। अब आएगा मज़ा जब 3 भाई मिलकर सबको देगा सज़ा, होप स्टैंड का गैंगस्टर रूप दिखने मिले, इस भाई साहब को गांजा चाहिए यार, कोई गांजा दे दो फिर बंदा जो है ना एकदम रॉक हो जाएगा, फिर एंटरटेनमेंट देगा। और भाई साहब अगर कोई भी चीज बोलने के लिए गए तो अपने कैरी भैया जैसे होंगे, तो ये नेशनल टीवी वाला आइटम तो नहीं है। देखो जितने भी एमसी स्टैंड के फैन है वो भड़क जाएंगे, लेकिन जो रियलिटी है मैंने वही बताया है, पूरे घर में एकदम शांत था। पिछले बार शालीन के साथ में पंगा लेकर के थोड़ा हाईलाइट हुआ, उसके ऐसे फिर से शांत है, 3 मिलकर के क्या कर लेंगे? मुझे सिर्फ एक चीज जानना है, ये दोनों भाई जब भी बाथरूम जाएंगे ऐसे सोना पहन करके जाएंगे, सोएंगे तो ऐसे सोने के साथ भाई जेल का जंजीर लग रहा है वो, कि भाई सजा के तौर पे तुम्हारे गले में जंजीर डाल दिया है, अब लेके ला देते फिर हो ऐसे वैसे। बाय द वे जब प्रोमो देख रहा था ना यूट्यूब पे, तो सौंदर्य और निमृत कह रही थी कि इन दोनों से दोस्ती कर लो लाइफ सेट है। दोस्ती करने से लाइफ सेट हो जाएगी इन दोनों से। वी आर नॉट किड, अब हम कार्टून नेटवर्क नहीं देखते हैं, और हमें पता है वो जो बुर्ज खलीफा से पहले मियां लगाते हैं वो क्या है। और जिस MCBC ने जाके कमेंट सेक्शन पर लिखा ना, नीच सोच घटिया इंसान, तू है ठीक है। हाँ, स्टैन आर्मी, लेट्स मेक MC स्टैन ऑन टॉप अगेन, मतलब तुम मान चुके हो कि अब वो टॉप में नहीं था, वापस से लाना पड़ेगा। हे, पकड़े गए। व्हाट ही डज इन दिस बीबी शो, कैप्टन रूम में सोता है बस। हाँ, सिर्फ सोता है, नहाता है और उसके बाद से फूकता है बस, गांजा मिलता नहीं है तो थोड़ा पागल हो जाता हूं। बिग बॉस को अंदर में सुरती भेजने का ना, तभी तो स्टैन, एमसी स्टैन को निकाल दो यार, उसको कोई स्टैंड ही हाहा ही करता है और करता रह जाता है अपने मंडली के साथ। गोरी के टाइम पे उसने स्टैंड नहीं लिया, और टीना के टाइम पे भी विक्टिम स्टैन, ऐसा बोरिंग और कोई, मतलब ओवरऑल यही कहना चाह रहा है, आप लोग पढ़ लो यार वो क्या कहना चाह रहा है, मेरे को समझ में आ गया, बोरिंग है, घर से निकाल दो। पूरी बुली गैंग नॉमिनेटेड, अब्दू गेट सेफ बिकॉज, अरे यार ढंग से लिख तो लो, या शायद मुझे ही नहीं पढ़ना आ रहा है। नो वन कंसीडर हिम एज अ रियल कंटेस्टेंट, भैया गोद में
बिठा के फिनाले ले जाओ और ट्रॉफी भी दे देना। आई एग्री। हाँ ये सच है, पूरे घर वाले बच्चा बच्चा क्यूट क्यूट शोना शोना बोल के तुम्हारी लेके जाएगा वो ट्रॉफी। समझो यार थोड़ा समझो, वो बंदा अंदर में आकर के पिघल गया, निमृत के पीछे पागल हो गया है, बस वो अपने आप को कंट्रोल करके रखा है। भाई की वैसे चॉइस अच्छी है, खूबसूरती क्या होती है वो जानता है। इरिटेटिंग प्रियंका को निकाल दो बाबा फालतू का ना, ओह सॉरी फिर से पढ़ता हूँ। इरिटेटिंग प्रियंका को निकाल दो बाबा, फालतू का नाटक करती है, इसके वजह से बिग बॉस देखने का भी मन नहीं करता। मेरा मन करता है ना उसको निकालो, वो बिकिनी वाली आइटम कौन है, नाम याद नहीं आ रहा यार, अर्चना, अर्चन अर्चन अर्चना गौतम याद आ गया, उसको निकाल दो यार प्लीज। उसका कुछ नहीं है, वो बस यूज होगी। शो अगर जीत के जाए तो मुझे बता देना, शो अगर जीत जाए ना तो मुझे बता देना, नहीं जीतने वाली है वो। सेंटर ऑफ अट्रैक्शन वोट फॉर प्रियंका। यार प्रियंका को लेकर के ना मेरे को एक चीज बहुत ज्यादा लगता है, वो बंदी सीरियसली उस बंदे से प्यार करती है, अंकित से। अंकित जताने वालों में से नहीं है, वो एक्सप्रेसिव है ही नहीं। वो भाई साहब पूरे दिन में जो है शायद 100 या 200 वर्ड का ही यूज करते होंगे, उससे ज्यादा मुझे नहीं लगता। उस बंदे से जो है तुम एक बार बोल सकते हो, दो बार बोल सकते हो, हर बार बेचारी जाकर के भीख मांगती है, थोड़ा तो अप्रिशिएट कर दे यार, थोड़ा तो अपनी तरफ से भी दिखा यार। और जैसे वो बोलता है अच्छा चल ठीक है, तो बोलती है नहीं यार ऐसा नहीं होता है। ये बंदी जो है प्योर वाइफ मटेरियल है। वाइफ अगर बोलती है कि तुमने गलती की है सॉरी बोलो, अब सॉरी बोल दो, तो फिर बोलेगी सॉरी बोलने से क्या हो जाता है, मतलब ना तुम इधर से खुश रख सकते हो ना उधर से। बंदी वैसी है लेकिन जेन्युइनली प्यार करती है, नथिंग फॉर कैमरा कि हाँ वो कुछ कैमरे को दिखाना चाहती है, उसका अपना अलग लेवल पे चल रहा है। अंकित ऐसे दोस्त को नहीं खोना चाहता है और उसको ऐसे से प्यार कर लेना चाहिए, ऐसे से शादी करनी चाहिए। यार बंदा समझ नहीं रहा है। प्लीज डू डबल इविक्शन टू मेक इट इंटरेस्टिंग, इविक्ट सनकी साजिद खान एंड एमसी स्टैन। सनकी, अरे नहीं साजिद खान को पूरा कंट्रोल है, वो बीच बीच में उसको समझ में आता है, ज्यादा भी मीठा नहीं बनने का, पब्लिक को शक हो जाएगा कि मैं कोटिंग करके सारी चीज़ें कर रहा हूँ, तो वो भाई साहब जानबूझ के करते हैं। जब वो उसके साथ में वो अर्चना लड़ाई पे उतरी, मतलब थोड़ा सा पोक की ना, वो जानबूझ करके खड़ा हुआ बंदा कि अब देख अब मैं पोक हो गया। अरे पोक होने के बाद कौन बोलता है अब मैं छिड़ गया, अब मैं चिड़ गया, अब मेरे को उंगली कर दिया, ऐसा कोई नहीं बोलता, वो सीधा ना रिएक्ट करता बंदा। तो साजिद खान वो नहीं है भाई। शिव ठाकरे जाएगा पर घर नहीं, सीक्रेट रूम में जाएगा जहाँ से वो सबके असली रंग देखेगा और सुनेगा। ही डजंट नीड दैट, ही इज वाइज इनफ टू रीड एवरी वन। स्टिल मजा तो तब आ जाएगा जब हग इट आउट, हग इट आउट जैसे बातें खुद सुनेगा। सीक्रेट रूम वाला गेम जो है ना थोड़ा गंदा हो जाता है, होना तो सुम्बुल को चाहिए क्योंकि खुद चाहती भी है, बट वी ऑलवेज सीन कि उन्हें कुछ ज्यादा ही फेवर दिया जा रहा है। क्या पता इस बार कोई नॉमिनेशन ना हो, इस बार भी आप कैंसिल कर देंगे, कैंसिल कर दे। और क्योंकि बिग बॉस 16 की फेवरेट मंडली के ज्यादा लोग ही इस बार नॉमिनेशन में बायस्ड होना तो बनता है। लास्ट वीक कौन था, सिर्फ पब्लिक का इमोशन के साथ खेल रहे हैं। ओके, हार्डली 4 पीपल आर एविक्टेड सिंस द शो स्टार्टेड। सभी से अनुरोध है अगर बिग बॉस में और ज्यादा आग लगाना है तो साजिद को बिल्कुल भी वोट ना करें प्लीज भाइयों, क्योंकि ये अपने आप को समझता है कि मैं बहुत बड़ा फिल्मी दुनिया से आया हूं और अपने आप को झोपड़पट्टी का बताते हैं तरह की है, अलग ही तरह की है। यार क्या स्पेलिंग मिस्टेक करते, पढ़ने में नहीं आता। साजिद खान का जो बता रहे हैं ना कि वो बहुत ही बड़े दुनिया से आए हैं, देखो जो लोग करण जौहर से जुड़े हुए हैं, जो लोग आज की डेट में सलमान खान से जुड़े हुए हैं, भले से कितनी भी गाली दे दो, भले से उसके ऊपर में कितने भी ज्यादा केसेस हो, लेकिन आज के डेट में बॉक्स ऑफिस में भाई बना हुआ है बंदा, उसकी हर फिल्म चल जा रही है और हर बड़ी बड़ी फिल्म उसी को ऑफर की जाती है। अब उसके कनेक्शन में बचपन से लेकर के उसी के कनेक्शन में जी रहा है बंदा। उसकी बहन जो है कोरियोग्राफर से डायरेक्टर बन गई, शाहरुख खान को अपनी उंगली में नचा चुकी है, ये भाई साहब जो है जैकलिन फर्नांडिस को अपनी गर्लफ्रेंड रख चुका है, तो किस हिसाब से कह सकते हो कि ये कोई बड़ी फिल्मी दुनिया से नहीं आया है? आया तो है, अब ये डूबता हुआ एक फिल्मी स्टार जैसा होता है वैसा है, अभी खुद को उठाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन ना जो हिसाब से आप बोल रहे हो ना वैसा नहीं है। झोपड़पट्टी से आया है, वो एक गेम का स्ट्रैटेजी है, हर कोई आता है पर इस तरह से बताता नहीं है। अगर उसकी स्टोरी टेलिंग होती है वो अलग तरह से होती है। ये झगड़े के बाद में कोई अपने आप को मतलब डिफेंड करने के लिए यूज करता है तो समझ लो कि वो भाई साहब अपने आप को विक्टिम दिखाने की कोशिश कर रहा है, सिंपथी गेन करना चाह रहा है। तो थोड़ा सा लाइन गलत है, बाकी सारी चीजें सही है। आप एग्री हो इस चीज से लिखो कमेंट सेक्शन पे। मी फीलिंग फॉर एमसी स्टैन एग्जैक्टली। जितने भी लोग ऐसे बाहर में उड़ते रहते ना, मैं ये मैं वो, इसकी माँ का इसकी बहन का, बिग बॉस घर के अंदर में जाके माहौल देख के ना ऐसे थम से जाते हैं। और सबसे पहली चीज
वहाँ पे कोशिश होती है कि आपकी हर चीज़ें पूरी ना की जाए, लेकिन कुछ चीज़ें जो है पूरी करनी पड़ती है। अब यहाँ पे बात आती है सुट्टा की, जॉइंट की, वो नहीं मिल रहा है तो एमसी भाई एकदम से ब्लॉक हो गए थे। वो जिस टाइम पे ऐसा ब्लॉक होके बैठा हुआ था ना पूरा टाइम, गौरी उससे जाके बात करने की कोशिश कर रही थी, सब लोग उसको जो है मतलब मोटिवेट करने की कोशिश कर रहे थे, वो भाई साहब एग्जैक्टली ना दौरे में बैठे हुए थे, उनको ना तलब लग गई थी, मेरे को चाहिए चाहिए, मतलब मेरे को चाहिए, मेरे को लाके दे अभी के अभी वाला सीन था। एमसी स्टैंड को लगा ऐसा थोड़ा ड्रामा वगैरह करेंगे तो मिल जाएगा माल वाल, थोड़ा फूक उक लेंगे, फिर रिलैक्स होकर के फिर से गेम खेलेंगे। पर उस वक्त तक हुआ कुछ नहीं। फिर जब उसको बहुत ज्यादा डिप्रेशन में देखा गया तो फिर जब वो नॉर्मल हुआ तो समझ लो उससे पहले एक जॉइंट मिल गया भाई को, फिर आ गए। अभी हर बार थोड़ी ना गांजा ला करके दे देंगे, वैसे ही पिछले बार सुशांत के टाइम पे देख गांजा पूरा बॉलीवुड को धुआं धुआं कर दिया। शालीन भानोट सुंबुल और टीना के साथ मसाला देते हैं साजिद खान को, सबके बाप साजिद खान तो सबके बाप है, इनके कहने पर तो सब कुछ चलता है शो में और शो के बाहर भी, इंक्लूडिंग बायस्ड बिग बॉस 16। फिर ये बाहर कैसे जा सकता है? देखो यार, करण जौहर, फराह खान, शाहरुख सलमान, ये जितने भी है दे आर जस्ट लाइक अ फैमिली। इनके बीच में कोई गेम आ जाए, उसमें कोई बॉस बन के बैठा, कोई होस्ट बन के बैठा है, इट इज़ जस्ट अ ड्रामा। तो साजिद को शुरू से ना सीरियसली लिया हूँ ना मैं लेता हूँ, और हाँ कहीं कहीं पे फील होता है कि शो से पहले भाई थोड़ा देख लेना, मेरा थोड़ा हो गया, मुँह से माँ बहन बोल दिया, आंड वांड बोल दिया मैंने, आर लगा दिया आंड के आगे, तो थोड़ा संभाल लेना ना। तो सलमान खान भी वैसे ही ट्रिक के साथ में चलता है, हाँ तो तुम सॉरी हो ना, चलो बात खत्म, हाँ तू क्यों ऐसे बोला, वो ऐसे पलटता है सलमान खान ऐसे, जिसको वो सपोर्ट करना चाहता है ना सल्लू भाई वो फुल सपोर्ट करता है, जिसको नहीं करना चाहता मतलब नहीं करना चाहता। सो दैट्स इट, इस वीडियो के लिए इतना ही। क्या बोलती पब्लिक में आपको फिर से एक और नए एपिसोड के साथ में मिलूंगा बहुत जल्द, और अभी जो है फटाफट से लेकर के आऊँगा वीडियोज। इसके अलावा जो है आप ऋतु रिबा के बारे में या फिर किसके बारे में बात करना चाहते हो, सुनना चाहते हो, उसके बारे में मैं डिटेल लेकर के आऊँगा अपकमिंग टाइम पे, वो और कौन कौन से गाने लेकर के आ रहे हैं, या फिर इंडियन आइडल की अगर बात करूँ तो बॉस बहुत ही ज़्यादा वो सेलिब्रेशन मूड में चला जाता है, वो किसी एंगल से नहीं लगता कि कोई कंपटीशन चल रहा है, तो थोड़ा सा इंटरेस्ट हट जाता है। सो लेकर आऊँगा, आप किस बारे में चाहते हो कमेंट सेक्शन पे जाकर के लिखो। दैट्स इट, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो यार, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।